मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम कराने आए लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोक सेवा केंद्र पहुंचे, अचानक कार्यालय पहुंचे और औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया हैं, वीएस चौधरी कोलसानी निगम कमिश्नर, इसके अलावा आशुतोष सिंह भी हैं, जनसंपर्क अधिकारी। अचानक यहाँ पर पहुंचकर जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं और आम जो लोग हैं उनकी किस तरह से शिकायतें सुनी जा रही हैं या उनके किस तरह के सुझाव इस केंद्र में आ रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट देख रहे हैं। कलेक्टर भी उनके पास हैं, दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें मिलती हैं कि आम लोगों की जो शिकायतें उनको सुना नहीं जा रहा है या उनके जो सुझाव हैं उस पर किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है, उनकी शिकायतें लगातार आती जाती हैं, तो इस तरह से उनका किस तरह से निराकरण इस लोकसभा केंद्र में होता है आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी अधिकारी मौजूद हैं और शिवराज सिंह चौहान खुद लोक सेवा केंद्र में मौजूद हैं और जिस तरह से जो दस्तावेज हैं, जिनके सुझाव आए थे, जिनकी शिकायतें आई थी, वो खुद जांच कर रहे हैं। काफ़ी देर से वो इस लोक सेवा केंद्र में मौजूद हैं और आज अचानक औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। आम जो लोग यहाँ पर शिकायतें या सुझाव के लिए आए थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी थोड़ी देर पहले और ये दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं फोन यहाँ पर लगा रहे हैं, जिस तरह से जो आवेदक हैं उनको फोन लगाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो आवेदक है उससे बातचीत करेंगे। काम हुआ कि नहीं? बात करना चाहिए आपसे, आपने आवेदन नहीं हुआ अभी? कौन सी तारीख को दिया था आपने? लेकिन आपने स्थानीय निवासी के लिए दिया था ना, और स्थानीय निवासी का भी आपको मिला नहीं शायद? नहीं पक्का बताओ, नहीं तो मैं फिर यहाँ कार्रवाई कर दूंगा और गलत निकला तो ठीक है। अब पूछ के बताओ मुझे तुरंत किसी नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं कार्रवाई करूँगा, नहीं हो तो फिर इनको शाबाशी दूँ। हाँ स्थानीय निवासी तो उनसे पूछ के बताओ, इसी नंबर पे फोन करो तुरंत पता करो। ओके ये फिरोज अभी फोन कर रहा है, इनकी बाइक से भरा था सर, मैंने भी मिलाया। हाँ अभी हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल शिकायत यहाँ पर सुनी है और फोन लगाया गया था आवेदक को और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने खुद ही उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि अगर किसी तरह की गड़बड़ या उनकी शिकायत नहीं सुनी गई है तो अधिकारियों को वो फटकार लगाएं या उनको शाबाशी दें। ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जाँच कर रहे हैं और बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज अचानक औचक निरीक्षण पर निकले हैं और लोकसभा केंद्र के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे मुलाकात करिए, बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। खुद जो आवेदन आए हैं उनकी जांच कर रहे हैं अधिकारियों से लेकर। आज अचानक औचक निरीक्षण करने शिवराज सिंह चौहान आए। सर शिकायतें सुनिए, किस तरह की शिकायतें? हमने लोक सेवा केंद्र इसलिए बनाए कि बिना किसी परेशानी के जो हमने समय सीमा तय की है, जैसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सेम डे एक दिन में ही मिल जाना चाहिए। आज मैंने पूछताछ भी की और जिनको इनने डिस्पोज दिखाया, मतलब मिल गए सेम डे, ऐसे चार लोगों से मैंने फोन मोबाइल नंबर निकाल के बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि सबने कहा कि सेम डे हमको मिल गया है। और रुपए के बारे में मैंने पूछताछ की, 40 रुपया शुल्क है, तो लोगों ने मुझे बताया कि 40 रुपया ही लगे हैं। मैंने ये भी पूछा कि ऊपर से तो कुछ नहीं लगा,
तो जिन चार लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि ऊपर से हमारा नहीं लगा। एक चीज जरूर मुझे यहाँ लगी कि आवेदन की प्रति अगर चाहिए तो उसकी कीमत 5 रुपया है, वो मुझे ज़्यादा लगी। और मैंने कलेक्टर की 40 रुपया तो शुल्क है वो ठीक है, आवेदन की प्रति के 5 रुपया ज़्यादा है। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रति पेज तय कर दे, अगर एक पेज से ज़्यादा है तो 50 पैसे 1 रुपया जो भी उसकी लागत आती हो उसके हिसाब से तय करें। बाकी जितना रिकॉर्ड मैंने अभी तक चेक किया उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जिन लोगों से बात की उनने भी संतुष्टि व्यक्त की। आज शिकायत नहीं मिली, आज तो मैं अपने आप निकला कि मैं एक बार देख के आऊँ सब ठीक है कि नहीं है। तो सर आप अभी तो और कहीं भी जा रहा हूँ, अभी संतुष्ट हैं आप ये लोग सेवा के? अभी फिलहाल तो यहाँ एक ही चीज मुझे लगी, कोरोना की बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। एक ही चीज मुझे लगी कि प्रति 5 रुपए वो ज्यादा है, उसको मैं चेक करवाऊंगा और उसके रेट निर्धारित करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये थे इस वक्त हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर से कहना जो व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है वो उनकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट, और ऐसे करीब 4 शिकायतकर्ताओं से उन्होंने फोन पर बात की और उनसे शिकायतें जो थी उनके द्वारा की गई थी। किसी तरह की धांधली लोक सेवा केंद्र में नहीं है और जितनी जो अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, IND24 भोपाल।